हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी का पार्ट फिफ्थ, जिसमें हम देखेंगे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स के बारे में। मतलब ग्रेन्स जैसे सीरियल्स और पल्सेस, उनको स्टोर करने के बाद जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट वगैरह होते हैं वो डैमेज करते हैं, तो उन पेस्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इमेजेस के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो हमारा तरीका है पढ़ाने का वो आपको कैसा लगा और किस तरह के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या कंटेंट्स होने चाहिए नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जो लोग भी एफओ और नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो कि स्टेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और यहाँ तक कि जेआरएफ के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं और एंटोमोलॉजी वगैरह चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं, तो वहाँ पर ये वीडियोज़ बहुत ही फायदेमंद है। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं क्या है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। सबसे पहला पेस्ट जो है राइस विबिल, बहुत ही हार्मफुल पेस्ट है और इसका जो डैमेजिंग स्टेज है, डैमेजिंग स्टेज एडल्ट और लार्वा, इसके चार स्टेज होते हैं इसके लाइफ साइकिल में, एग, लार्वा, पूपा और एडल्ट। तो इसमें जो मोस्ट डेंजरस स्टेज है वो है एडल्ट और लार्वा। और किस तरह के फूड टाइप्स में ये डैमेज करता है, ये ऑलमोस्ट सारे सीरियल्स में डैमेज करता है। आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत बार आपको ये राइस वगैरह में ये कीड़ा दिख जाता होगा, तो इसे ही कहते हैं राइस विबिल। और सीरियल्स में मोस्टली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के टाइम ये डैमेज करता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसका जो जीनस है वो है सीटोफाइलस, स्पेसीज ओरिजा लिन, फैमिली कुर्कुलियोनिडे और ऑर्डर है कॉलियोप्टेरा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी पेस्ट है उसके फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ऑर्डर वगैरह आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं ये चीज़ें। इसके बाद खापरा बीटल, जो कि A4 2016 में इसके बारे में पूछा गया था, खापरा बीटल के बारे में कि कौन से सीरियल में ये अटैक करता है। इसके भी चार स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल के, एक, लार्वा, पूपा, एडल्ट, बट द मोस्ट डेंजरस द डैमेजिंग स्टेज इज लार्वा। लार्वा ही केवल इसका जो है हार्मफुल स्टेज होता है। आप फिगर में देख रहे हैं ये जो कीड़ा है, ये पेस्ट है, आपने देखा भी होगा घरों में, ये मोस्टली डैमेज करता है वीट को, लेकिन किसी भी सीरियल में ये डैमेज कर सकता है, लेकिन जो मेन क्रॉप है वो है वीट। वीट के अलावा ज्वार, बाजरा, मेज, राइस, ईटीसी, किसी में भी ये हार्मफुल डैमेज कर सकता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसको कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो अपनाने चाहिए, वहाँ उस समय ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जो स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उसके ऊपर का, मतलब समझ लीजिए 50 सेंटीमीटर का जो ऊपर का लेयर होता है उसको ये डैमेज करता है। और चूंकि ये वीट में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है इसलिए इसे वीट विबिल भी कहा जाता है। और इसका जीनस है ट्रोगोडर्मा, स्पेसीज ग्रेनेरियम एवर्ट, फैमिली है डर्मेस्टिडे और ऑर्डर है कॉलियोप्टेरा। ये जो नाम है जैसे जीनस, स्पेसीज, ये याद रखने में डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना, ये 7-8 जो बताऊंगा उनके बारे में ही करना है, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकते, तो ये इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं आपको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जो बताऊंगा बस उतने ही, 4-5 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड वन इज पल्स बीटल, फिगर में देखिए ये है पल्स बीटल। पल्स बीटल के लाइफ साइकिल में भी चार स्टेजेस होते हैं, एग्स, लार्वा, पूपा और एडल्ट, जिसमें कि मोस्टली जो डैमेज करते हैं वो होते हैं ग्रब्स, और ग्रब एक तरह का लार्वा होता है, तो लार्वा इसका सबसे ज़्यादा डैमेजिंग स्टेज है। और पल्स बीटल कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ग्राम मेनली और साथ ही साथ दूसरे पल्सेस में भी डैमेज करता है पल्स बीटल। अप्रैल से अक्टूबर में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है पल्स बीटल। और पल्स बीटल के बारे में इसका जो जीनस है वो है कोलोस ब्रोकस, स्पेसीज चिनेंसिस लिन, फैमिली ब्रुकिडे या फिर लैरिडे
और ऑर्डर है कॉलियोप्टेरा, तो ये चीजें आप याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है राइस मोथ, फिगर में देखिए बहुत बार आपको दिख गया होगा ये राइस जहां स्टोर किया जाता है वहां पर ये कभी कभी मिल जाते हैं, तो ये है राइस मोथ। और इसका भी जो लाइफ साइकिल होता है वो चार स्टेजेस में होता है, जिसमें कि लार्वा स्टेज जो होता है वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग और सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। राइस मोथ मेनली राइस के लिए होता है, लेकिन राइस के अलावा भी ग्राम में, ज्वार में या फिर मेज में ये डैमेज करता है। और इसकी पहचान ये है कि ये जहां डैमेज करता है वहां से अनप्लीजेंट स्मेल आते रहता है वहां से। इसका जो जीनस है कोरकाइरा, स्पेसीज सिफेलोनिका, फैमिली गैलेरिडे स्टेंट और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। ये चीजें आप एक जगह लिख कर याद करेंगे। हालांकि मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है अरुण कात्यायन की बुक, और इसके बाद हम नेमराज सुंदा की भी बुक को फॉलो करेंगे। तो पहले थोड़ा डिटेल से, क्योंकि इस बार आपने देखा था थोड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एफओ में, और नाबार्ड में तो पूछते ही हैं डीप में, तो थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है, इसलिए नेमराज सुंदा इज नॉट सफिशियंट, आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अरुण कात्यायन की बुक को एक बार जरूर पढ़ें, और अरुण कात्यायन में एक टेबल दिया हुआ है सारे जो पेस्ट के कॉमन नेम है उनका, जीनस स्पेसीज फैमिली, तो उसमें से जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कम से कम उतना तो आप याद रख लीजिए, और अगर ज्यादा याद कर सकते हैं तो ज्यादा भी याद कर लीजिए। इसके बाद है लेसर ग्रेन बोरर, इसका जो डैमेजिंग स्टेज है वो है एडल्ट एंड ग्रब्स, ये दोनों डैमेज करते हैं ग्रेन्स में। और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये ग्रेन्स में करते हैं। और एक चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जो यंग ग्रब्स होते हैं वो ग्रेन्स के ऊपर का जो हार्ड कोट होता है उसको उसमें छेद नहीं कर पाते, उसमें पियर्स नहीं कर पाते, तो वो केवल जो टूटे हुए ग्रेन्स होते हैं वेस्ट फ्लोर होते हैं उनको खाते हैं, उनका जो स्टार्ची मटेरियल होता है उसको खाते हैं और हार्म करते हैं। नेक्स्ट है रस्ट रेड फ्लोर बीटल, बहुत बड़ा सा एक इमेज है, आपने देखा भी होगा घर में, तो इसको आप याद कर लीजिए, यही है रस्ट रेड फ्लोर बीटल। और इसे सेकेंडरी फीडर कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ जो ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं उन पर ये अटैक करता है और बहुत ही अनप्लीजेंट सा स्मेल प्रोड्यूस करता है ये, तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जीनस है ट्राइबोलियम, स्पेसीज है कैस्टेनियम हर्बर्ट, और जो फैमिली है टेनेब्रिनुएडे, ऑर्डर है कॉलियोप्टेरा। इसके बाद है अंगोइमस ग्रेन मोथ, और एंगोइमस ग्रेन मोथ का जो हार्मफुल डैमेजिंग स्टेज है वो है ग्रब्स, और ये थोड़े बहुत हमेशा से जहां भी स्टोर किया हुआ रहता है ग्रेन्स वहां पर ये आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो मोस्टली डैमेज होता है ये डैमेज करते हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच में, ये सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, हालांकि ये आपको साल भर गोडाउंस में मिल जाएंगे। इसका जीनस है सीटोट्रोगा, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। अब देखते हैं कि ये तो हो गया कौन कौन से पेस्ट हैं, कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो हार्म करते हैं, अब उनसे बचने के लिए क्या क्या हम प्रोटेक्शन मेजर्स ले सकते हैं। तो दो तरह के प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर और सेकंड है क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है कि पेस्ट इन्फेस्टेशन मतलब कीड़े लगने से पहले हमने क्या मेजर्स लिए उन्हें कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, और उसके बाद क्यूरेटिव मेजर्स वो होते हैं जो एक बार पेस्ट ने इन्फेस्ट कर दिया उसके बाद उनको भगाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं। तो सोइंग से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीड्स का सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचाया जा सके, और हार्वेस्टिंग के बाद मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो होना चाहिए 14% से कम होता है हो सकता है, लेकिन 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है, पेस्ट इन्फेस्टेशन के लिए ससेप्टेबल हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स तीन तरह के हैं, हाइजेनिक मेजर्स, हाइजेनिक मेजर्स में साफ सुथरा
थ्रेशिंग होना चाहिए, गनी बैग्स जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो साफ होने चाहिए, इस तरह के जो भी हाइजीनिक मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फिजिकल मेजर्स में क्या क्या है? फिजिकल मेजर्स जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह। मॉइस्चर कंटेंट 9% से जब कम होता है तो मोस्ट ऑफ द जो पेस्ट होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं या फिर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक्सेप्ट वन जो कि है, जिसका नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, वो 8% से कम में भी सब्सक्राइब मतलब सर्वाइव कर जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 8% फॉर स्टोरेज। हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं 55 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, ये एक वैल्यू दे दिया है हीट ट्रीटमेंट के लिए। या फिर रेफ्रिजरेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर कोई भी पेस्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होना चाहिए 65% से कम, यहाँ 10% ये गलत वैल्यू, 65% से कम होना चाहिए आरएच की वैल्यू। इसके बाद थर्ड वन है केमिकल मेजर्स। केमिकल मेजर्स में आते हैं, केमिकल्स का यूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैलेथियन का यूज कर सकते हैं। मैलेथियन का कंसेंट्रेशन 50% ईसी, इसको हम यूज कर सकते हैं 1:100 रेशियो में वाटर के साथ मिलाकर छिड़क सकते हैं हम ग्रेन बैग्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर। और इसका कंसेंट्रेशन क्या, मतलब कितना अमाउंट क्या होगा? 3 लीटर पर 100 स्क्वायर मीटर, 3 लीटर हमें स्प्रे करना होता है मेलेथियोन। इसी तरह से अलग अलग केमिकल्स हैं जैसे डीडीवीपी या डाइक्लोरोवॉस, इंसेक्टिसाइडल डस्ट जैसे कि कैम्फर, नेप्थेलिन, ईटीसी, इनके साथ फूड ग्रेन्स को मिक्स किया जा सकता है, लेकिन वो सीड पर्पस के लिए होने चाहिए ना कि कंजम्पशन पर्पस के लिए। उसके बाद है क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स मतलब जब एक बार इन्फेस्टेशन हो गया पेस्ट का, उसके बाद हम पेस्ट को भगाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ड्राइंग ड्राइंग कर सकते हैं, जो जिन ग्रेन्स के ऊपर पेस्ट का अटैक हो चुका है उनको ड्राई करके हम पेस्ट को भगा सकते हैं। उसके बाद फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। फ्यूमिगेशन मतलब नेक्स्ट स्लाइड में मैं फ्यूमिगेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फ्यूमिगेशन होता है मतलब फ्यूमिगेंट्स होते हैं, उनको हम जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया गया है वहाँ पर टैबलेट के फॉर्म में रख देते हैं और उनसे जो गैस निकलता है वो फिर पेस्ट को भगाते हैं। क्यूरेटिव मेजर्स में और भी, जैसे कुछ इन्फेस्टेड ग्रेन्स हैं वो अगर कम मात्रा में है तो हम उनको चुन चुन कर बाहर निकाल सकते हैं। ग्रेन्स के ऊपर सैंड का एक लेयर हम बना देते हैं और उससे क्या होता है कि एग मतलब अंडे नहीं दे पाते जो पेस्ट होते हैं। और जैसे कुछ होते हैं वीट वीविल्स, जैसे कि वो बैग्स के जो लेयर्स होते हैं, बैग्स के ऊपर वो पड़े रहते हैं, बैग्स में चिपक के रहते हैं, तो उनको हम हाथ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्यूरेटिव मीटर्स हैं, आप एक बार इसको देख लेना। साथ ही साथ जैसे रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, गामा गामा रेज वगैरह का, और हाई टेम्परेचर अप टू 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 घंटे के लिए अगर स्टोरेज में हम मेंटेन करते हैं तो भी हमें फायदा मिलेगा। तो ये थे मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूमिगेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2016 में फ्यूमिगेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड क्या होता है। तो इसका एल्युमिनियम फॉस्फाइड का जो ट्रेड नेम है ये है सेल्फॉस। सेल्फॉस के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और ये 3 ग्राम के टैबलेट्स में आता है। और इसका जो अमाउंट है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो होता है 10 क्विंटल ग्रेन के लिए 2 टैबलेट, और हर टैबलेट का जो मेजर होगा वो 3 ग्राम होगा, ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूमिगेंट है मिथाइल ब्रोमाइड। 3.5 kg मिथाइल ब्रोमाइड इज रिक्वायर्ड फॉर 100 m³ ऑफ ग्रेन्स, और 10 से 12 घंटे के लिए रखना पड़ता है मिथाइल ब्रोमाइड को। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फ्यूमिगेंट है, वो है इथिलीन डाई ब्रोमाइड, जिसे ईडीबी भी कहते हैं। और इसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो 1 क्विंटल ग्रेन के लिए 3 मिलीलीटर, और 5 क्विंटल के लिए 18 मिलीलीटर, 10 क्विंटल के लिए 30 मिलीलीटर। तो ये फ्यूमिगेंट्स हैं जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे चूहों, रैट से बचाने के लिए रैट ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं गोडाउंस में।
तो इस तरह से हम अपने ग्रेन्स को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के ऊपर, जो कि एंटोमोलॉजी का एक पार्ट था, और एंटोमोलॉजी के कुछ पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, कुछ पार्ट्स अपलोड करने बाकी हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट्स अपलोड कर दें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो और इसके कंटेंट्स कैसे लगे, और नेक्स्ट वीडियोज में किस तरह के कंटेंट्स चाहिए आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, जिसमें ऑलमोस्ट 5,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और 1,500 से ज्यादा हमें फेसबुक पेज लाइक्स मिल चुके हैं। सेम नाम से हमारा फेसबुक पर पेज है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप सर्च कर सकते हैं। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और एक बात और कहूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है, उसको आप लिख लीजिए, उस पर आप मैसेज कीजिएगा अपना नाम, 8237783981, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ताकि आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर सकें। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन के बाद, आपके मैसेज के 1-2 दिन के बाद ही हम ज्वाइन कर पाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना जरूर भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम जान सकें ये वीडियो कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच।